बहुत अच्छा। अभी हम वो ही बात कर रहे थे क्योंकि जो मैंने लहंगा पहना हुआ है, आई थिंक इट्स अबाउट कितने केजी का होगा? अराउंड बाय 30 केजी नहीं, आई डोंट नो, बट या आई थिंक इट्स वेरी वेरी हैवी। सो अभी मुझे वो इमरान यही बता रहे थे कि कैसे इनका एवरी थिंग दैट दे यूज इज़ ओरिजिनल, कुछ भी सिंथेटिक फैब्रिक नहीं है, जरी इज रियल जरी एंड प्योर जरी, और जो काम है बहुत ही खूबसूरत है। आई थिंक दिस सो मच डिटेल इन एवरी थिंग वट एवर दैट आई हैव सीन, यहाँ पर बहुत अच्छा काम है, लाइक आपको समझ आता है कि क्वालिटी ऑफ वर्क क्या है। सो दैट इज gorgeous, and then he told me that everything can be custom made, yes, like whatever you want to customize. So I think that's lovely. And bridal everywhere. Bridal season is coming, and I think sabse zyada jo demand hoti hai I think Indian wear mein is during the bridal season, so this is the perfect time to open a store. Congratulations. Thank you so much. Congratulations. Aapki personal rank ke bare mein jane to aapko kis tarah ka outfit bahut pasand hai aur aapka pasandeeda designer kaun hai? ऐसे तो बहुत हैं पसंदीदा मेरे डिज़ाइनर्स, आई थिंक बहुत डिज़ाइनर्स हैं जो अब वापस से जो एक ट्रेडिशनल इंडियन काम है, जो हमारी प्रिंट्स हैं, आई थिंक उसको फिर से बहुत ज़्यादा अब सराहना मिल रही है, बहुत ज़्यादा हम उसको वापस से लेकर आ रहे हैं फैशन, मेन स्ट्रीम फैशन में एंड कुटियोर फैशन में। सो मुझे तो ये बहुत ज़्यादा पसंद है, आई लव इंडियन क्लोथ्स, और मुझे लगता है कि एक इंडियन लड़की के ऊपर जितना खूबसूरत जो काम है, जो हमारे कलर्स हैं स्पेशली इंडिया के, जो बहुत ही लाइक जो एक अर्थ कलर्स होते हैं, वो बहुत ज़्यादा कॉम्प्लीमेंट करते हैं इंडियन स्किन को। सो आई फील एवरीथिंग इंडियन इज़ जस्ट ब्यूटिफुल, तो ये तो ऑफ कोर्स इज ब्राइडल, सो इट्स इवन मोर, आई लव इट। आपने जो पहना है इसके अलावा आपको कौन सा यहाँ पे जो डिजाइनर क्लोथ है वो पसंद आया, और कब और कौन से ओकेशन पे आप पहनना चाहेंगे? पहनने वाली हो मुझे पता नहीं, मैं ढूंढूंगी कब मैं पहन सकती हूँ, बट आई ऑलरेडी लाइक समथिंग इन पिंक हियर, जो कि बहुत ही फन है, टिपिकल ब्राइडल कलर नहीं है, लेकिन उसका वर्क इज प्रीटी फंकी। यहाँ पर है, हम उसको थोड़ी देर में आपको दिखाएंगे, बट इट्स ब्यूटीफुल, मुझे बहुत पसंद आया। थैंक यू सो मच। डिजाइनर की एक खासियत होती है, यू नो, लाइक एवरीवन हैज देयर ओन डिस्टिंक्टिव, व्हाट समथिंग वेरी यूनिक यू फील इज अबाउट यू एंड योर डिजाइन? सी, हमारे लिए अगर यूनिक आप देखेंगे तो वी आर इनटू हैंडमेड थिंग, सो कोई भी हम जो प्योर वर्क होता है, जो हमारा आप कोई भी आप लहंगा देखेंगे, एक जो उसमें फैब्रिक भी हम यूज करते हैं, वो फैब्रिक भी हैंडमेड फैब्रिक होता है, हैंड वीव फैब्रिक जिसको बोलते हैं आप, प्योर फैब्रिक। उसके बाद उस पर जो एक एक छोटी छोटी डिटेल होती है, लाइक किस तरह से हम हाथ से ही खाका भी बनाते हैं, उसको पंच करके, उसको छाप के, फिर वैसा सेम वर्क जो जिस तरह से हम लेके आते हैं, आप जो क्वालिटी हमारे वर्क में देखेंगे वो आपको कहीं और नहीं मिला। इट्स अ वेरी फाइन वर्क। टारगेट ऑडियंस कौन है और क्या है, किस तरह से है, और कलेक्शन की जो प्राइस रेंज होती है आपकी किस तरह से होती है? देखिए सर, अगर प्राइस रेंज पे जाएंगे आप तो इट्स नॉट अबाउट के हम एक ब्राइड को एक लहंगे के लिए 5-10-20 लाख रुपए चार्ज करते हैं। हमारा आइडिया ही यही है कि हर वो सिटी में जो लोग टू बी ब्राइड है, उनको हम वो स्पेशल फील कराएं, बिकॉज वी थिंक के जो दूल्हा और दुल्हन होते हैं वो राजा और रानी की तरह होते हैं, बिकॉज अगर हम शादी में जाते हैं तो जस्ट बिकॉज ऑफ द ग्रूम एंड ब्राइड, सो उनको वैसा ट्रीट करने के लिए हम ये लहंगे को भी वैसे ही ट्रीट करते हैं। और ये शादी का शॉपिंग एक शॉपिंग नहीं होता, इट्स एक्सपीरियंस, तो वो एक्सपीरियंस को हम थोड़ा इन्हेंस करते हैं ताकि उनको और थोड़ा शादी में और मज़ा ऐड हो जाए, वैल्यू ऐड हो जाए उनकी शादी में। अच्छा इमरान, अभी आज जो आउटफिट तिरंगा ने पहना है, यू नो, हाउ डू यू सी के इस पर क्या सूट होता है, उनका क्या टेस्ट होता है, एंड टू यू आल्सो तिरंगा, हाउ डिड यू चूज दिस पर्टिकुलर समथिंग अबाउट दिस आउटफिट? जो मुझे पसंद आया इसमें कि ये टिपिकल रेड कलर नहीं है, इवन दो ब्राइडल है, बट चॉकलेट ब्राउन, लाइक बहुत ही एक डिफरेंट कलर है, यूजली होते नहीं है लहंगाज इन चॉकलेट ब्राउन, बट आई थिंक जस्ट एडिंग लाइक अ लिटिल बिट ऑफ रेड टू इट, एंड द जरी वर्क इज़ ऑल्सो नॉट वेरी ब्राइट, क्योंकि मुझे भी थोड़ा सा विंटेज ज़्यादा पसंद है, सटल एंड विंटेज लुक इज़ व्हाट आई रियली लाइक, सो आई थिंक वो उसका कॉम्बिनेशन वॉज वेरी प्रिटी। So yeah, even though I'm wearing it daytime mein, phir bhi I think it looks lovely. Aesthetic and ancient look de raha hai. Yeah, it's very, matlab, yeah. Old time, traditional, vintage. Aisa, like that's the feel. So I really like that about this. And basically apni speciality yahi hai, basic apan kya hai ki isi particular karwa work ko kisi bhi color pe, kisi bhi combination pe, kisi bhi tarah se apan settle kar ke workout kar sakte. Ek mind setup hai logo ka ki like agar ye bride hai to usko red hi pehenna hai. रेडी वो प्रॉपर ब्राइड दिखनी चाहिए, बट इट्स नॉट अबाउट कलर, इट्स नॉट अबाउट थिंग, ब्राइड ब्राइड होती है, उसको आप और भी कई तरीके से देख सकते हैं, बस नज़रिया होता है, तो हम उसको एक
ट्राई कर रहे हैं कि कुछ अलग तरीके से उसको प्रेजेंट करें। तो हमारे पास येल्लो है, ब्लू है, काफ़ी हर्दी कलर्स है, हमने सारे कलर्स पे प्ले किया है, अभी हम आपको सारे कलेक्शन दिखाएंगे। इमरान भाई, चित्रांगना जी को आपके ब्रांड के साथ एसोसिएट करने के पीछे क्या मकसद है, क्या कुछ सोचा आपने किसी को ब्रांड के जोड़ने से पहले? मकसद क्या है आपका? मकसद और भी कई एक्टर्स हैं, और भी कई सेलिब्रिटीज होंगे, तो इनको जोड़ने के पीछे क्या था? सी, हमारा जो ब्रांड है, जिस ब्रांड को हम जिस ऑडियंस को देखते हैं, चित्रांगना इज परफेक्ट फॉर दैट ऑडियंस, यानी परफेक्ट फेस है, इसलिए हमने ये सोचा कि नहीं, शी इज़ द परफेक्ट। हमने काफ़ी इनको ट्रैक करा, काफ़ी लंबे टाइम से ट्रैक कर रहे हैं, देन आज इनका डेट मिला है और हमने इनके डेट के अकॉर्डिंग आज अपना ओपनिंग रखा है। हमारे रॉयल लुक ऑफ गार्मेंट्स के लिए एक रॉयल आदमी चाहिए। इसके अलावा फ्यूचर प्लान्स क्या है, कहाँ का स्टोर खोलना है, किस तरह से इसको एक्सपांड करना है आपको, ये आपको उदय भाई बताएंगे अच्छे से। बेसिकली इन द नेक्स्ट 6 months वी हैव प्लान्स टू ओपन काला घोरा एज वेल एज वन इन दुबई, रेस्ट विल कम इन द ड्यू कोर्स, बट 6 months के अंदर वी विल बी प्लानिंग द सेम। क्या प्रोजेक्ट कॉस्ट होगी, किस तरह से आप इसके रिटर्न देखते हैं और टारगेट ऑडियंस को किस तरह से आप? प्रोजेक्ट कॉस्ट एज पर द साइज, एरिया, मार्केट साइज, मार्केट सबके ऊपर डिपेंड करता है, बट वील जस्ट डेफिनेटली कम अप विद अ बिग वन एंड अ गुड वन। काला घोरे में अगर कोई भी जाता है, कोई भी डिजाइनर, तो ऑटोमेटिकली वहाँ पे बहुत सारे बड़े और भी डिजाइनर्स हैं, उनको टेक केयर करते हुए और हमारी अपनी स्टेटस को देखते हुए अपने उसको प्लेस करेंगे। एंड वील डेफिनेटली लुक फॉरवर्ड टू चित्रांगना अगेन, दैट शी कम्स डाउन अगेन विद अस एंड ओपन द सेम स्टोर देयर आल्सो। थैंक यू, इट विल बी माय प्लेजर एंड आई विल चूज अ डिफरेंट माय कलर, लाइक अ ब्राइट पिंक। दैट्स आवर स्पेशलिटी, एनी टाइम द कलर यू सिलेक्ट, द वर्क वी डू एंड इट विल बी डन। सच में आई वांट टू आस्क यू, व्हाट इज योर फेवरेट कलर एंड व्हाट यू वुड लाइक टू? My favorite color is yellow, and I can see a lot of yellow here, जो कि usually मिलता नहीं है for bride wear, you know. So बहुत ही खूबसूरत है. Velvet is actually something जो again नहीं मिलता है usually for bridal wear. So मुझे बहुत पसंद आया. It's right behind me there. That's my favorite. गदर 2 के बाद अभी जवान भी आ रही है, कहीं ना कहीं बॉलीवुड का जो ग्रो है फिर से उभर रहा है, उसका जो ग्राफ बढ़ते जा रहा है, इसको आप किस तरह से देखती हैं? बहुत खुश हैं सब लोग, आई थिंक इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द बिजनेस, और ये बहुत बड़ी होप है टू ब्रिंग द ऑडियंसेस बैक। एक वो जो सेलिब्रेशन होती है अराउंड फेस्टिवल टाइम, आई थिंक वो एक टाइम फिर से शुरू हुआ है, एंड फॉर अस इंडियंस मुझे लगता है कि सिनेमा, हमारी फिल्में बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं हमारे लिए, जो कहीं ना कहीं वो कनेक्शन बिकॉज ऑफ कोविड ब्रेक हो गया। सो आई एम सो हैप्पी एंड आई थिंक जवान विल गिव अस सो मच मोर टू सेलिब्रेट। सो या, जवान को लेकर कितनी एक्साइटमेंट है आपको, आप देखना चाहेंगी उसके प्रोमोस, उसके ट्रेलर्स आपको कितने अच्छे लग रहे हैं? बहुत अच्छे लग रहे हैं, इट इज़ फुल मसाला, लाइक एग्जैक्टली व्हाट अ बॉलीवुड पॉट बॉयलर फिल्म शुड बी, एंड बट आई थिंक बहुत ही क्लासिली किया है, बहुत ही डिफरेंट है, द विजुअल्स आर वेरी, एंड इट्स शाहरुख खान। आने वाले प्रोजेक्ट के बारे में बताएंगे, किस किस प्रोजेक्ट पे काम करें, क्या क्या है? अभी हम स्क्रिप्ट्स पे काम कर रहे हैं, अभी कुछ शूट शुरू नहीं हो रही है हमारी, बट एक वेब सीरीज है और कोई दो फिल्में हैं जो मैं प्रोड्यूस भी कर रही हूँ। सो और फिल्म, अगर आपने गदर देखी तो आपको कौन सा सीन सबसे बेहतरीन लगा और गाना बेस्ट कौन लगा? मैंने गदर अभी तक नहीं देखी है, टू बी ऑनेस्ट आई हैव नॉट सीन इट। नहीं, मैं असल में ट्रैवल कर रही थी, लेकिन मैं ज़रूर देखूंगी, और मेरा फेवरेट है वो जो गदर का मेन सॉन्ग टाइटल ट्रैक है, दैट्स माय फेवरेट। अच्छा, जो शाहरुख काफी यंग दिख रहे हैं जवान में, उसको लेकर क्या कहेंगे आप? बहुत अच्छे लग रहे हैं, आई थिंक इतनी मेहनत होती है एक फिल्म को यहाँ तक पहुँचाने में। आई थिंक शाहरुख खान को हम सब लोग मिस कर रहे थे ऑन स्क्रीन, एंड ही लुक्स अमेजिंग, ही इज़ द शाहरुख खान, द किंग खान, एंड ही लुक्स एवरी बिट। थैंक यू।